वी आर डूइंग टर्नओवर रेशियोज, और जिसके अंदर हमने कल किया था स्टॉक टर्नओवर रेशियो. सो टुडे वी विल स्टार्ट डेटर टर्नओवर रेशियो. सो अगेन बाय द नेम डेटर, डेटर कब होते हैं? जब हम सेल करते हैं, और वो भी कौन सी? क्रेडिट. अगर हम कैश सेल कर देंगे तो डेटर होंगे क्या? नो मैम, तो इसका मतलब डेटर्स तभी होंगे जब सेल उधार होगी. तो इसका मतलब इसमें एक एलिमेंट तो हो गया क्रेडिट सेल, और दूसरा एलिमेंट हो गया डेटर्स. इसका मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी सेल होती है वो, और जो हमारे डेटर्स हैं, वो कितने टाइम में पे कर देते हैं, यानी कि कितनी फ्रीक्वेंटली हम उनसे मंगवाते हैं, कितनी बार साल में मंगवाते हैं, कितनी जल्दी पेमेंट रियलाइज होती है. ये देखने के लिए जो हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज डेटर टर्नओवर रेशियो. हाँ जी, तो डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगी हमारी? दैट विल बी नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स. और नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलेगी? सबसे पहले तो हमें अगर टोटल सेल्स दे रखी होगी तो उसमें से हम कैश सेल माइनस कर देंगे. कैश सेल माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्रेडिट सेल. क्रेडिट सेल में से हम सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगी नेट क्रेडिट सेल्स. अगर क्वेश्चन में कैश सेल गिवन ही ना हो तो टोटल सेल जो है उसी को हम क्या मानेंगे? क्रेडिट सेल्स. हम ये मानेंगे कि कैश सेल थी ही नहीं, सारी की सारी जो सेल है वो उधार पे होती है. अब दूसरी चीज हमने क्या निकालनी है? एवरेज डेटर्स. तो एवरेज डेटर्स निकालने के लिए हम ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बीआर, क्योंकि बिल भी कौन लिख के देता है? डेटर्स लिख के देते हैं. तो अगर बिल नहीं लिखा है, सिर्फ डेटर्स हैं, तो हम ओपनिंग डेटर्स ले लेते हैं. अगर उन्होंने हमें बिल दे दिया है तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं. तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल, फिर क्लोजिंग डेटर्स एंड क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से. ओपनिंग वाला है और क्लोजिंग वाला है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड किससे किया? 2 से, 4 से नहीं करना है. तो ये आपके पास क्या आ जाएंगे? एवरेज डेटर्स, एंड देन यू विल फाइंड आउट डेटर टर्नओवर रेशियो. इसी के साथ साथ हम इसके अंदर एक चीज निकालेंगे, दैट इज डेट कलेक्शन पीरियड. मैं आपको विद फिगर्स एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, देन यू विल मेक इट मोर क्लियर. सो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि आपको दिया है टोटल सेल्स दैट इज इक्वल टू ₹5 लाख, देन कैश सेल दिया हुआ है आपको ₹1 लाख, ओपनिंग डेटर्स दिए हुए हैं 40,000, ओपनिंग बिल रिसीवेबल गिवन है आपको 10,000, क्लोजिंग डेटर्स गिवन है 1,35,000, और क्लोजिंग बीआर गिवन है 15,000. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दैट इज गिवन टू 7,500. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट डीटीआर. तो सबसे पहले हम यहां से टोटल सेल्स में से कैश सेल माइनस करके क्या फाइंड आउट कर लेंगे? क्रेडिट सेल. तो क्रेडिट सेल मेरे पास आ गई 4 लाख. उसके बाद इन चारों चीजों से मेरे पास क्या आ जाएगी? एवरेज डेटर्स आ जाएंगे. तो एवरेज डेटर्स निकालने के लिए हमने ऐड कर दिया 40 प्लस 10 प्लस 1,35,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 2. तो मेरे पास ये आ गया, एवरेज डेटर्स निकल के आ गए, दैट इज 1 लाख.
जो बैड डेट्स होती हैं या जो प्रोविजन होते हैं इनको हम माइनस नहीं करते हैं डेटर्स में से, हम टोटल लेते हैं कि कितना हमने सेल किया है और उसके हिसाब से डेटर टर्नओवर रेशियो कितनी है। तो एवरेज डेटर्स मेरे पास हैं 1 लाख, क्रेडिट सेल है मेरे पास 4 लाख। सो आई कैलकुलेट माई डेटर टर्नओवर रेशियो बाय क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, विच इज 4 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। तो मेरे पास ये आ गया 4 टाइम्स। टर्नओवर रेशियो वी राइट इन टाइम्स, 4 टाइम्स आ गया। अब मैंने आपको बोला डेट कलेक्शन पीरियड निकालना है, तो जैसे मैंने कल आपको बताया था स्टॉक होल्डिंग पीरियड निकालते टाइम कि नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ डिवाइडेड बाय DTR यहाँ पर जो लेंगे, या नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर डिवाइडेड बाय DTR। तो एक साल में कितने दिन हैं या एक साल में कितने महीने हैं उससे हम निकालते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर आ गया 90 डेज और यहाँ पर आ गया मेरे पास मंथ्स में 3 मंथ्स। तो अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? डेटर टर्नओवर रेशियो 4 टाइम्स का मतलब है कि जो डेटर से पैसा कलेक्ट किया जाता है, जो उनसे मनी कलेक्ट की जाती है, वो 4 बार की जाती है, 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स का मतलब है कि एक बार कलेक्ट करने के बाद गैप कितने मंथ्स का आता है? 3 मंथ्स का। तो इसका मतलब हमने उनको 3 महीने की उधारी दे रखी है। तीन, एक बार सेल होती है तो 3 महीने बाद हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, फिर अगले 3 महीने बाद रिसीव करते हैं, फिर अगले 3 महीने बाद रिसीव करते हैं। तो इसका मतलब साल में हम 4 बार रिसीव करते हैं। ये डेटर टर्नओवर रेशियो जितनी हाई होगी उतना अच्छा होगा, जितनी ज्यादा बार आप उसको कलेक्ट करोगे। मान लो आप यहाँ पर 6 बार कलेक्ट करते, तो 6 बार कलेक्ट करते तो 12/6 कितने मंथ्स आ जाता? 2 मंथ्स। इसका मतलब आप हर 2 महीने में पैसा इकट्ठा कर रहे हो। जितना ज्यादा आपका DTR होगा वो उतना एक बिजनेस के लिए अच्छा होता है। समझ में आया? यस मैम, यस मैम। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। यू आर गिवन विद टोटल सेल्स ₹60,000, कैश सेल्स आपको दे रखी है 25% ऑफ क्रेडिट सेल, देन क्लोजिंग डेटर्स आपको दिए हुए हैं 1,50,000, और दिया हुआ है कि ओपनिंग डेटर्स जो हैं वो 60,000 लेस हैं क्लोजिंग डेटर से। तो अब आप देखो, आपको दिया हुआ है कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर क्रेडिट सेल को मैं 100 मान लूं तो उसका 25% मेरी कैश सेल है, 25 हो गई। तो टोटल सेल मेरी किसके बराबर हो गई? क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। क्रेडिट सेल मैंने मानी 100, कैश सेल में मेरी आ गई 25, तो मेरी टोटल सेल किसके बराबर हो गई? 125 के बराबर हो गई। तो टोटल सेल मेरी रिप्रेजेंट कर रही है 60,000 को। इफ टोटल सेल इज 125, क्रेडिट सेल इज 100, वन इज 100/125, और अगर 60,000 है तो कितनी होगी? अगर मुझे यहाँ पर वो निकालनी है तो मेरी टोटल क्रेडिट सेल्स जो है वो कितनी आ जाएगी? 4,80,000 आ जाएगी। इफ टोटल सेल इज 125, देन क्रेडिट सेल इज 100, वन है तो 100/125 एंड 60,000 है तो क्रेडिट सेल कितनी होगी? तो मेरे पास कितनी आ रही है, ये इट मैम कम्स टू 48,000 48 आएगी ना? यस मैम। हाँ, इट इज 48,000। ओके, अब इसके बाद मुझे दिया हुआ है क्लोजिंग डेटर्स, दैट इज गिवन टू यू 1,50,000, और फिर मुझे दिया हुआ है कि ओपनिंग डेटर्स जो हैं वो क्लोजिंग डेटर से 60,000 कम है। तो इसका मतलब
मैं क्लोजिंग डेटर्स को एज्यूम कर लूं एक बारी, तो क्लोजिंग डेटर्स को मैंने एज्यूम कर लिया एक्स, तो मेरे ओपनिंग डेटर्स जो हैं वो एक्स माइनस 60,000 है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर पहले ही दे रखा है उसने कि क्लोजिंग डेटर्स तो मेरे 1,50,000 हैं और ओपनिंग उससे 60,000 कम है, तो ओपनिंग डेटर्स कितने हो गए मेरे, 90,000 हो गए। अब आप एवरेज डेटर्स निकाल सकते हैं, एवरेज डेटर्स आपके निकलेंगे ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2, तो 90,000 प्लस 1,50,000 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1,20,000, 2,40,000 आ गया और ये आ गया 1,20,000। तो 1,20,000 ये यहाँ पर मिस्टेक है, ये 60,000 नहीं है, ये 6 लाख है, और ये 6 लाख होगा तो ये कितना आ जाएगा, 4,80,000 आ जाएगा। अब आप देखिए हमारे पास जब ये भी आ गया कि क्रेडिट सेल कितनी है और एवरेज डेटर्स कितने हैं, तो हम यहाँ से डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। तो डेटर टर्नओवर रेशियो आ गई क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, सो दैट कम्स टू 4,80,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000, दैट इज 4 times। और डेट कलेक्शन पीरियड हम निकालेंगे तो अगेन 360 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 90 days, और अगर आप मंथ्स में निकालते हैं तो 12/4 दैट इज इक्वल टू 3 months। हाँ जी समझ में आया? यस मैम। ओके, जैसे हमने अभी किया है डेटर टर्नओवर रेशियो, इसी तरह से हमारी जो नेक्स्ट टर्नओवर रेशियो है दैट इज रिगार्डिंग क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। जैसे डेटर सेल के लिए होते हैं, क्रेडिटर्स किसके लिए होते हैं, परचेज के लिए। तो अगेन ये कौन सी परचेज है, उधार या कैश? क्रेडिट, क्रेडिट परचेज के लिए। तो हमने यहां पर बिल्कुल सेम वैसे ही निकालना है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो जैसे वहां निकाला था। नेट क्रेडिट सेल्स की जगह हम लेंगे नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय, जैसे हमने वहां एवरेज डेटर्स लिया था, यहां हम क्या लेंगे, एवरेज क्रेडिटर्स। वहां हम ये देख रहे थे कि डेटर्स से पैसा कितनी जल्दी आ रहा है, यहां हमने देना है कि क्रेडिटर्स को हम कितनी जल्दी पे कर रहे हैं। तो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम बिल्कुल जैसे पहले हमने किया वहां पर डेटर्स में ओपनिंग डेटर्स एंड ओपनिंग बीआर, यहां पर हमने लेंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल, और फिर उनकी एवरेज, ठीक है। सो लेट अस सी विद द क्वेश्चन। यू आर गिवन विद टोटल परचेजेस रुपीज 10 लाख, कैश परचेज आपको दी हुई है रुपीज 2,70,000, परचेज रिटर्न आपको दिया हुआ है इट इज 30,000, देन ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं आपके पास 50,000 एंड क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं आपके पास 34,000। सो वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करेंगे क्रेडिट परचेज आ जाएगी, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी, दैट कम्स टू, ये इसमें से माइनस कर दीजिए और ये भी माइनस कर दीजिए, ये माइनस करने के बाद आ गया मेरे पास 7 लाख। अब मुझे निकालने हैं एवरेज क्रेडिटर्स, दैट इज 50,000 प्लस 34,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स टू 42,000। अब मेरे पास नेट क्रेडिट परचेज भी आ चुकी है और एवरेज क्रेडिटर्स भी आ चुके हैं, सो आई विल कैलकुलेट CTR, तो ये मेरे पास आ जाएगा 7 लाख डिवाइडेड बाय 42,000, दैट कम्स टू 16.67 times। और कितनी बार क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो का हम निकालेंगे, जैसे हमने वहां पर निकाला था डेट कलेक्शन पीरियड, यहां पर हम निकालेंगे पेमेंट पीरियड।
तो पेमेंट पीरियड निकालने के लिए 360 अपॉन 16.67, अगर मंथ्स में होगा तो अगेन 12, अब क्योंकि ये पहले ही ज़्यादा आ रहा है तो मंथ्स में तो हमारा पॉइंट्स में निकलेगा, तो बेटर है कि हम डेज में ही कैलकुलेट करें, तो ये आ रहा है 21.89 डेज। तो इसका मतलब हम हर 22 दिन के बाद अपना पेमेंट चुका देते हैं। तो ये हमारे क्या शो करता है, हमारी क्रेडिबिलिटी शो करता है कि हम कितनी जल्दी अपनी पेमेंट्स कर पाते हैं। सो दैट इज अबाउट क्रेडिटर टर्नओवर रेशो। हाँ जी, समझ में आया? यस मैम।